रूस और यूक्रेन, फिर इसराइल और हमास, और अब इसराइल और ईरान के बीच जंग के हालात बन गए हैं। ईरान ने इसराइल से बदला लेने की कसम खाई है। ईरान के पास 9 अलग अलग कैटेगरीज की ऐसी मिसाइलें हैं जो यहूदियों के देश में पहुंचकर वहां तबाही मचा सकती है। दरअसल 1 अप्रैल को इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें 7 ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। इससे ईरान बौखलाया हुआ है और इसराइल पर हमले को बेकरार है। वैसे तो पहले भी कई बार इसराइल ने सीरिया में हिजबुल्ला और ईरानी ठिकानों पर मिसाइल दागे, लेकिन सोमवार का हमला ईरान की आंखों में फटक रहा है, क्योंकि इसराइल ने उसके वाणिज्यिक दूतावास पर हमला बोलकर सीधे तौर पर ईरान की संप्रभुता को चुनौती दी है और इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के वरिष्ठ अधिकारियों को मार डाला है। इस हमले में जो सबसे बड़ा चेहरा मारा गया है वो ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी का था, जो IRGC का एक अनुभवी और टॉप कमांडर था। जाहेदी ने सीरिया और लेबनान में IRGC विदेशी ऑपरेशन विंग कूट्स फोर्स का नेतृत्व किया था। उसकी हत्या से बौखलाए तेहरान ने इसराइल से इंतकाम लेने का खुला ऐलान कर दिया है। इस हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने कहा था कि इस हमले का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। वहीं इसराइल का कहना है कि उसने मोसाद के ठिकानों पर हुए अटैक का बदला लिया है। इधर शनिवार को ईरान के सेना प्रमुख ने वादा किया था कि ईरान के काउंसलेट पर हमला करने को लेकर इसराइल पछताएगा। बता दें कि ईरान के पास ऐसी 9 अलग अलग कैटेगरीज की मिसाइलें हैं जो इसराइल तक पहुंचने में सक्षम है। ईरान की न्यूज एजेंसी ISNA ने इन मिसाइलों की क्षमता के बारे में जानकारी दी। इनमें कुछ मिसाइलें 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए 2,000 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को निशाना बना सकती है। इसमें पहला नाम सेजिल मिसाइल का है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये 2,000 से 2,500 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम स्पीड 12 से 14 मैक है। बता दें कि 1,214 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को 1 मैक कहा जाता है। वहीं इमाद मिसाइल की बात करें तो ये 2 से 7 मैक की रफ्तार से 2,000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। इस लिस्ट में तीसरा नाम शहाब 3 मिसाइल का है। ये 7 मैक की स्पीड से 2,000 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। वहीं गादर मिसाइल मैक 9 की रफ्तार से 1950 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर निशाना लगाने की क्षमता रखता है। इस लिस्ट में पांचवा नाम पावेह मिसाइल का है। ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1650 किलोमीटर की रेंज में हमला करने में सक्षम है। फतेह 2 मिसाइल की बात करें तो ये मैक 5 की रफ्तार से 1400 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को निशाना लगाने में सक्षम है। खैबर शिकन मिसाइल के इस्तेमाल से 1450 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को भेदा जा सकता है। ये 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। इस लिस्ट में आठवां नाम खैबर मिसाइल का है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और स्पीड 5 मैक तक है। इस लिस्ट में नौवां नाम हाज कासिम मिसाइल का है। मैक 5 की रफ्तार से ये मिसाइल 1400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकती है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।